हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का आर्यन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि डीएसएसबी की एग्ज़ाम चल रही है, 12 अगस्त से डीएसएसबी की एग्ज़ाम शुरू हो गई थी और वो जो एग्ज़ाम है वो बहुत शानदार हो रही है और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि आज के बाद में जिसकी भी डीएसएसबी की एग्ज़ाम होगी, चाहे वो आप हो या आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई तीसरा दोस्त हो, उसकी जो एग्ज़ाम है वो डीएसएसबी की होने वाली है। उस डीएसएसबी की एग्ज़ाम के लिए हम शानदार तरीके से आपको एक वीडियो लेके आए हैं कि किस तरीके से आपको डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डीएसएसबी का आने वाला पेपर लीक कर रहे हैं, वो वाला लीक नहीं, आपके मोटिवेशन वाला लीक कर रहे हैं कि आपको डीएसएसबी का पेपर कैसा आएगा, कैसा अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। तो बने रहे हमारे साथ में। चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक हम आपको शानदार स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आने वाले जो डीएसएसबी की एग्ज़ाम है, जिसकी मेरे जिस दोस्त की कल की एग्ज़ाम हो या परसों की एग्ज़ाम हो, उसके बाद में एग्ज़ाम हो, आप जो है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना पेपर देंगे तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन के और आप नज़दीक चले जाएंगे, आपकी मेहनत तो वहाँ पे काम आएगी और उसके साथ में हमारी स्ट्रेटजी जो है वो भी काम आने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ में। हमारा आज का टॉपिक है कि डीएसएसबी का पैटर्न कैसा आ रहा है, डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से उनका पैटर्न रह रहा है। तो चलते हैं अपने आज के सवालों की तरफ। सवालों का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू होता है अपना। पहला जो सवाल आपके सामने ये है कि डीएसएसबी में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत शानदार सवाल है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबके दिमाग में ये चल रहा है कि डीएसएसबी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उसके जवाब हम आपको देते हैं कि डीएसएसबी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। उसके अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे आपको। दूसरा सवाल आपका ये आता है कि डीएसएसबी में बचे हुए जो दिन हैं आपके पास में, किसी के पास 2 दिन बचे हैं, किसी के पास 10 दिन, किसी के पास 20 दिन भी बचे हैं आपके एग्जाम में, तो उन दिनों के अंदर आप कहाँ से तैयारी करें, तो उसके लिए या फिर क्या पढ़ें, उसके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट जो सवाल आता है अपना वो है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, कितनी अपनी कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करेंगे, डीएसएसबी की कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक बार स्किप कर देता हूं, दूसरे क्वेश्चन को भी स्किप कर देता हूं, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर दो सेक्शन है, मेजर दो सेक्शन है, वैसे आपके 6 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के हैं। जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त की डीएसएसबी के लिए नॉन नर्सिंग पार्ट जो है वो यदि एवरेज स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं कह रहा कि आपको फुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, एवरेज जिसका है, जिसने मतलब 30-40 के समथिंग यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसका मतलब, और वो क्वेश्चन आपके सही हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हो। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि 99% जो होते हैं वो सिलेक्शन को लेकर जो होते हैं वो नर्सिंग को लेकर होते हैं, ठीक है। नर्सिंग वाले क्या होते हैं, नर्सिंग की जिसकी तैयारी होता है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक और इसके अंदर आपका ड्रॉबैक ये है कि आपका जो है वो नॉन नर्सिंग आने वाला है, ठीक है, नॉन नर्सिंग आने वाला है। ये जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग है इनका पैटर्न क्या रहेगा उसी के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सर हिंदी के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो, हिंदी के क्वेश्चन की हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमसे कांटेक्ट हुआ है, हमें जिन्होंने रिव्यू दिया है उन स्टूडेंट से बात की, तो पता चला है कि हिंदी का जो पेपर है वो एवरेज आ रहा है, ठीक है, एवरेज आ रहा है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। अब सर बात यह आती है कि हिंदी के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाले हैं पैराग्राफ टाइप से। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ बड़े बड़े पैराग्राफ है, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि पैराग्राफ जो है ना बड़े बड़े, जैसे मान लो कि आपकी स्क्रीन है, सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन में पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा, इसकी डेढ़ स्क्रीन समझ लो, डेढ़ स्क्रीन में आपका एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से मात्र एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब सर बात यह है कि हमारे पास तो समय ही कम है, इतना समय है ही नहीं, कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उस समय को बचाने के लिए आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना होगा ऐसे क्वेश्चन का। यदि मान लो हिंदी में बड़ा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें टाइम वेस्ट, या तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, तुरंत पढ़ लिए, आप समझ लिए, तो आपका ठीक है। यदि आप वो नहीं कर पा रहे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेना और मोटे मोटे तौर पे कि उस क्वेश्चन को देख, ये देखना कि पैराग्राफ में कहाँ से उठाया गया है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। मेरा मानना ये कि वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के आएंगे। इसके अलावा
कुछ मैच दे फॉलोइंग्स भी आएंगे इसके अंदर, जैसे मान लो मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गया, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो ग्रामेटिकल पोर्शन आपको पूछा जाएगा और इजी पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे आपको हिंदी के अंदर पूछे जाएंगे। तो एवरेज पेपर रहने वाला है जिसने थोड़ी सी तैयारी करी है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। यदि आपने ये वीडियो देखा है और हमने हमारे से जो लास्ट में जो हमने स्ट्रेटजी आपको बताई है, प्लानिंग बताई है, उसमें यदि आपने पार्टिसिपेट किया है तो इन सारे सवालों के जवाब वहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ वहाँ पे आपको सॉलिड जो है वो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको लास्ट के अंदर ऐसा एक और तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो आई थिंक हिंदी का आपको क्लियर हो गया। हिंदी के अंदर बेसिक क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ के साथ में आपके ग्रामेटिकल आएंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना नहीं है क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम होता है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन जो है वो जैसा कि पता चला है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पहली एग्जाम हुई थी उसके अंदर क्या है, उस सेक्शन में क्या हो रहा है, उसके अंदर आपके पहले नॉन नर्सिंग के पार्ट आ रहे हैं, जैसे हिंदी का खुलेगा। अब उस हिंदी को आप 20 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो और 50 मिनट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि नॉन नर्सिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद में नहीं आ रहा उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि टाइम आपके पास में कम रहेगा। मैथमेटिकल यदि आपके स्ट्रॉन्ग है मैथमेटिक्स, तो ही आप उसके ऊपर जाएं मैथमेटिक्स पे, वरना मैथमेटिक्स पे इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनकी क्या है, DSSB की तरफ से क्या हो रहा है कि जो लास्ट में जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो दे रहे हैं नर्सिंग के, और आपकी यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको भी पता है कि आपकी नर्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ध्यान किस पे देना है, नर्सिंग पे देना है। अब नर्सिंग के लिए आपके पास में टाइम ही नहीं बचेगा जब आपने नॉन नर्सिंग पे इतना ध्यान दे दिया, हिंदी को आपने 20 मिनट 30 मिनट दे दी, उसके बाद में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK जितना भी आ रहा है सबको टाइम दे दिया। तो मेरा मानना है या तो आप सबसे पहले नर्सिंग को फ्री कर दो, टाइम फिक्स कर लो कि मान लो मेरे को 80 मिनट्स जो है वो नर्सिंग के एसिक्यूशन को देना है, बस बात खत्म, जो आ रहे हैं वो कर दो और बाकी छोड़ दो, स्किप कर दो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखो कट ऑफ की यदि बात करें, अपन कट ऑफ की बात करें, पिछली बार जो थी वो DSSB कट ऑफ गई थी 122-123 के आसपास, ठीक है, 122 और 123 के आसपास गई थी। अब की बार ये कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ये 134 से 140 तक भी हो सकती है, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से 130 या 140 तक हो सकता है। अब देखो बात ये है कि जैसे मान लो आपने 80 क्वेश्चन आपने नर्सिंग के सही कर दिए, मान लो, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के सही हो गए, और आपने मान लो 50 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के सही हो गए, तो आप क्या है, सेफ जोन में आ जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले नर्सिंग को करना है, फिर उसके बाद में नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन देना है। हिंदी का मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अपना, वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। शानदार है इंग्लिश के अंदर, देखो, हाँ, हिंदी के और इंग्लिश के अंदर कुछ कॉमन हो रहा है, ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश में क्या है, अरेंज द सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये एक नहीं आ रहे, तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं अरेंज द सेंटेंस। हिंदी में भी आ रहा है, और हिंदी में एक और क्वेश्चन याद रख लेना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और वही सेम टू सेम आपके इंग्लिश के अंदर आएंगे, अरेंज द सेंटेंसेज। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन भी पूछा जा रहा है, इसमें जो है वो पैराग्राफ वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद पैराग्राफ से आया, बताया जिन स्टूडेंट से बात हुई, जिनसे रिव्यू लिया गया, उनसे ये पता चला है कि एक जो पैराग्राफ है वही आया था इसके अंदर। तो ग्रामर आपको याद कर लेना, ग्रामर के अंदर अपोजिट, सिनोनिम्स वगैरह जितने भी आते हैं आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। सर बात ये आती है इंग्लिश का, अब से पढ़े हम ऐसा मटेरियल, वो भी बताऊंगा लास्ट में, धैर्य रखो थोड़ा सा, लास्ट में जो आने वाला है अनाउंसमेंट वो बहुत शानदार आने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का। इंग्लिश नहीं आती है, एक बार आपको रीड कर लेना है, रीड करने के बाद में आपको जो समझ में आता है वो कर देना, नहीं समझ में आ रहा स्किप करो, क्योंकि इसमें स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 क्वेश्चंस तक पहुंचना आपका बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना जनरल नॉलेज। अब सर जनरल नॉलेज कैसा आ रहा है, जनरल नॉलेज की बात करो, जनरल नॉलेज भैया ऐसा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर के ऊपर, जिसकी करंट अफेयर अच्छी है जनवरी से लेकर आपके जून जुलाई तक की जो करंट अफेयर है वो जिसकी अच्छी है उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो करंट अफेयर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर के बाद में एंशियंट जो हिस्ट्री है उसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो उन्होंने बताए थे, अभी मुझे याद नहीं है कौन कौन से क्वेश्चन थे, बट ऐसे बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री से भी आ रहा है, आपकी पॉलिटिक्स ज्योग्राफी से भी आ रहा है, और जो रिसेंट पॉलिटिक्स है उससे भी आ रहा है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, आने वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ अपने नर्सिंग से रिलेटेड भी आ रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड, कि ये डे को कब मनाया गया, इसमें क्या मनाया गया, ये सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे जा रहे हैं। नहीं आता स्किप करना है, ध्यान रखना। मैथ्स की हम बात करते हैं,
ठीक है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस वही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस मैक्सिमम। देखो 20 क्वेश्चन में से आपको 16 से लेकर 17 क्वेश्चन तक तो नॉर्मल मिलने वाले हैं। अब दो तीन क्वेश्चन साइन थीटा कोस थीटा ये वो आ गया रूट वगैरह के, तो उनको छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। जरूरी थोड़ी है मैथ के अंदर ही आपको सारे नंबर लाने जरूरी हैं, क्योंकि मैथ तो वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसको सबसे लास्ट में देखना है आपको। जितने क्वेश्चन हो जाए उतना ही बेटर है, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर जो है वो रूटीन टेंथ बेस का, CBSE टेंथ या फिर NCERT बेस्ड जो टेंथ क्लास के तक के होते हैं, जैसे टाइम डिस्टेंस हो गया आपका, इनमें से क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं इसके अंदर मैथ्स के अंदर। रीजनिंग के अंदर भी सेम है, वही टाइम वाला, ठीक है, घड़ी में टाइम वो आ गया आपके, अरेंज करने वाले हो गए, इसके बाद में सीरियल नंबर वाले हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके किस में, रीजनिंग के अंदर, ठीक है। रीजनिंग के बाद में हम बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट अपना, नर्सिंग पार्ट जो है वो नर्सिंग पार्ट कौन सा है, ठीक है, लास्ट जो है वो नर्सिंग पार्ट कौन सा है उसी के बारे में हम बात करते हैं। नर्सिंग पार्ट अब ये इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग कहाँ से पढ़े भैया। देखो मेरा मानना ये है, जिसने PYQ किया है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने पढ़ा है ना, वो सिलेक्शन के नज़दीक है। और PYQ के साथ में वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम सर बात करें कि सर इसका लेवल कैसा आ रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर और मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे, आपको सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखा गया है, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन आए थे, एक आपके लेरिंजोस्कोप का आया था और एक मच्छर का ऐसा कुछ आया था, ऐसे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें आ रहे हैं। लेकिन पेपर जो है वो लेवल का है, मतलब आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आप पहुंच सकते हो 80 तक, ऐसा नहीं है कि आप 80 तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। मेरा मानना तो ये है आप इसके लिए टाइम डिसाइड करें कि मेरे को 100 क्वेश्चन जो हैं इन 100 क्वेश्चन को 80 मिनट देना है, बस 80 मिनट में कंप्लीट करना है। जो आ रहा है उसको टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको छेड़ो मत, जो आ रहा है उसको टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको छेड़ो मत, ठीक है। तो 80 मिनट आप इसको दे दो, 80 मिनट देने के बाद में आपका, तो अब बात ये आती है कि सर नर्सिंग के अंदर तो हम कहाँ से पढ़ें। अब देखो थ्योरी जो है ना, इसकी थ्योरी जो बुलेटिन्स हैं वो पूछी जा रही हैं, सीधी बुलेटिन्स पूछी जा रही हैं आपकी, ठीक है। बुलेटिन्स इसके बारे में बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था अपना मोटा मोटा सिलेबस कि आपको कहाँ तक क्या करना है, कट ऑफ मैंने आपको बता दी, पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर इतना सारा जो मटेरियल है वो आपने बताया है, तो अब हमें ये मटेरियल कहाँ से पढ़े। सवाल ये आता है कि कहाँ से पढ़े, अब समय कम बचा है, किसी के पास 5 दिन बचा है, किसी के पास 10 दिन बचा है, किसी के पास 15 दिन बचा है, बस इतना समय बचा है। तो यदि मैं आपसे बात करूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपके हिंदी के सेशन से बात करूं, हिंदी का जो मटेरियल है, यदि आपको अभी इसकी तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का और नर्सिंग के, मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है, नॉन नर्सिंग का कंप्लीट जो मटेरियल है आप RNU नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन से देख सकते हो। भैया ऐसा है, ये जो एप्लीकेशन के ऊपर है, यदि आपको रिसेंटली इम्पोर्टेंट डाटा चाहिए, वैसे इसकी जो प्राइस थी वो 499 थी, ठीक है, वैसे इसकी प्राइस जो थी 499 थी, और अभी जो है उसका कर दिया है हमने 250 आपके लिए ओनली। जो स्टूडेंट ये वीडियो देखकर इस नंबर पे व्हाट्सअप करेगा उसी स्टूडेंट को मिलेगा 250 रुपीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। अब हर कोई फ़ोन कर देगा सर मेरा ये कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने यदि इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज किया तो आपको 250 रुपीज़ के अंदर क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ। हिंदी के सारे वीडियोस, नॉन नर्सिंग के वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आप जाओगे ना DSSB के इसके ऊपर, ये परचेज करके जब आप कोर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 8-10-12 क्लास तो आपकी हिंदी की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर भी जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना हिंदी इंग्लिश के अंदर, जो टेस्ट सीरीज जिसने अटेम्प्ट करी है उसके क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है 250 रुपीज़ के अंदर, और इसी के साथ में आपको मिलने वाली हैं वीडियो क्लासेज जिसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन सोलो करवाए गए। सेम टू सेम इसी DSSB के सुपर प्लान के अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, 20 क्वेश्चन और उसके साथ में वीडियो रेशनल वाले क्वेश्चन भी, इंग्लिश की क्लासेज भी आपको देखने में मिलेगी सेम प्राइस के अंदर 250 रुपीज़ के अंदर। देखो उसके बाद में हम बात करें सर रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जनरल नॉलेज की मैं बात करना चाह रहा था। जनरल नॉलेज की रिसेंटली 10 जो क्लासेज हैं
ये क्लासेस आपकी करंट अफेयर की रिकॉर्डेड है, करंट अफेयर की रिकॉर्डेड है, और ये भी आपको फ्री मिल रही है। ये भी आपको क्या मिलेंगी, फ्री मिल रहे हैं। देखो लास्ट समय आपके पास में, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन, जो स्टूडेंट हम तक नहीं पहुंच पाया था और आज यदि वो हमारे तक पहुंच रहा है, उसके पास में समय कम है, उसके लिए हम ये प्लान लेके आए हैं कि हम उनको सारी चीज़ें, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ये चीज़ें हम क्या करें, उसको फ्री प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल नॉलेज वाला। जनरल मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मैथ्स की जो क्लासेज हैं रिकॉर्डेड क्लासेज, वो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उसी प्लान के अंदर मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेज उसी प्लान के अंदर आपको मिलने वाली है। और लास्ट में रीजनिंग की भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज उसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो और लास्ट ही लास्ट हम बात कर रहे थे नर्सिंग की। देखो नर्सिंग के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले जो 15 से 20 टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है, जो ओपन है सबके लिए, यानी जो पेड करेगा उसके लिए ओपन है, उनके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है। ये भी कहना चाह रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन है, सेम टू सेम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे के वैसे हैं। मैंने स्टूडेंट से रिव्यू भी लिया था तो उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन आए थे वो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आपके पास में इतना समय है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन का, आप चाहते हैं कि मैं एक बार रिविजन कर सकूँ, तो रिविजन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद में यदि ये वीडियो देख के आ रहे हो तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नंबर के ऊपर आप नंबर नोट कर सकते हो, 9660096541 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे कि सर मुझे DSSB का सुपर प्लान 250 रुपीज़ वाला चाहिए। वहाँ आपको 499 रुपीज़ का प्लान मिलेगा, लेकिन आपको जो है उसमें डिस्काउंट और दिया जाएगा, 250 रुपीज़ के अंदर आपको वो क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका इससे रिलेटेड। अब बात ये आती है कि सर इसके अंदर जो है आपकी जो प्लान है, इस प्लान के हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखो 10 दिन का जो प्लान, 10 के अंदर हमारे 10-10 वीडियो हैं सबके, वो वीडियो आप घर में काम करते करते भी देख सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बुलेटिन की बात कर रहे हैं ना, कि बुलेटिन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टेस्ट सीरीज के अंदर, उसी सुपर प्लान के अंदर, DSSB सुपर प्लान के अंदर आपको बुलेटिन की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, जो मेरी खुद की रिकॉर्ड की हुई है, बुलेटिन्स की क्लास भी मिलेगी, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब सर बुलेटिन्स में आपने कौन सी चीज़ क्लियर करवाई है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बुलेटिन्स के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुलेटिन्स में हमने जो क्लियर करवाया है वो दिया है MSN और PDIA और OBG। ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट्स को क्या हो रहा है, DSSB के अंदर सबसे ज़्यादा टच किया जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे बुलेटिन आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है भैया, आपको यदि DSSB में सिलेक्शन चाहिए, अब आपके लिए आपका DSSB का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है या फिर 250 रुपये इंपॉर्टेंट है, वो हमें नहीं पता। DSSB का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है या 250 रुपये इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच लो। आना है ज़रूर, आप आएँ, आपका वेलकम है, आप पढ़ें, आपके लिए पूरा सारा मटेरियल पढ़ा है। किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत है कि मुझे तो 100 क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी है 170-185 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम है, एग्जाम के लिए हमने DSSB के लिए सारा मटेरियल तैयार करवाया था, जो स्टूडेंट्स वंचित रह गए थे उनके लिए हमने ये प्लान दिया है। तो सोचना आपको है कि RNU नर्सिंग क्लासेस से जुड़कर अपना भविष्य बनाना है या फिर 250 रुपये सोचने हैं। 250 रुपये सोचोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप करें और दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन, DSSB का पेपर कैसा आ रहा है, किस तरीके से पैटर्न आया है, कहाँ से आप पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कितनी कट ऑफ जाएगी, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप इस पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं यूट्यूब से आपका वीडियो देख के आया हूँ, मुझे ये चाहिए। आपको लिंक जो है हमारी एप्लीकेशन का और ये कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी फेसबुक यूट्यूब चैनल का सबका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा किस में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट के अंदर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त के दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, और आने वाली रक्षाबंधन तक ये प्लान चलने वाला है। तो 15 अगस्त से लेकर रक्षाबंधन तक हमने ये सोचा है कि कम से कम आप जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सब के सब इससे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, मात्र और मात्र 250 रुपीज़। ऐसा है, एक दिन आप घर मत जाना, तैयारी करते हो, बाहर रहते हो, 250 रुपीज़ आपके लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ में, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।